सत श्री अकाल जी, मैं हरमन सिद्धू ESS ग्लोबल तो 2022 दे विच यूके बनिया सारे नो वध स्टूडेंट वीज़ा ग्रांट करन वाला कंट्री, जिथे बच्चों ने अपलाई किया, कैश लैटर लई यूनिवर्सिटीज़ तो, जिहड़ी भी फाइल हाई कमीशन च गई, बीइंग ESS की गल कर रहे हैं, उन्हां दा वीज़ा आया। बट इहदे नाल नाल एक कंसर्न भी खड़ा हो रहा है पंजाब एंड हरियाणा के बच्चों का, जिहड़े बच्चे वीज़ा लैके इंडिया तो जा रहे ने यूके दे विच, पर उत्थे यूनिवर्सिटीज़ दे विच एनरोल नहीं हो रहे उन्हां दी गिवन डेडलाइन ते। बच्चे इतों ट्रैवल कर रहे हैं बट किसी ना किसी कारण कारण या किसी के मगर लग के, दोस्त मित्रां दे या रिश्तेदारां दे मगर लग के अपनी स्टडी छड्ड रहे, जिथे कि उन्होंने सलाह मिलती है 3 साल की बैचलर डिग्री करके की करेंगे, असं तेनों वर्क परमिट करवा दें या असं तेरा स्टेटस चेंज करवा दें तो तेनों 3 साल पढ़न की लोड़ नहीं तो फीसा भरन की लोड़ नहीं, जिहड़ा कि बिल्कुल गलत है, जिहड़ा कि तुहानू तुहाडे PR तक लैके नहीं जाता। असी जो बच्चे रिक्रूट करते हैं तो यही कह के भेजते हैं, अगर तू अपनी पढ़ाई पूरी करेगा, जिहड़ी चीज़ तू इत्थों कह के चलिया अगर वो तू पूरी करेगा जाके, फिर तेरा PR का रास्ता स्मूथ होना, अदरवाइज तू PR नहीं होना। एंड जिहड़ा बच्चों का ना एनरोल करना, यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट होना, यह उन्हां बच्चों लई भी बहुत वड्डे चैलेंजेस खड़े कर रहा है, जिन्हां दीआं फाइल्स अज हाई कमीशन दे विच ने या अपकमिंग इनटेक्स दे लई ओह यूके बाहर जाके पढ़ना चाहते ने। यूनिवर्सिटियां ने अपनियां एंट्री क्राइटेरिया चेंज करता इस चीज़ कारण पंजाब ते हरियाणा दे बच्चों का, एंड वेवर आयल्स तो उन्होंने बिल्कुल बंद ही करता कि विदाउट आयल्स तो साढ़े को जी आओ ही ना। रीज़न यही आ कि वो देखते हैं किन्ने बच्चे असी पंजाब हरियाणा तो रिक्रूट किए तो किन्ने फाइनली ग्रैजुएट होकर साड़ी यूनिवर्सिटी चो गए, जिथे कि पंजाब का अगर मैं गल करा तो नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ड्रॉप आउट्स का। तो यह उन्हां बच्चों लई भी कंसर्न है जिहड़े आउण वाले सालों के अपने आप नूं यूके दिखना चाहते हैं एज एन पॉसीबल ग्रैजुएट। तो मैं ये बच्चों अपील करदा जिहड़े यूके दे विच बैठे ने इस बारी कि अपने कोर्सेस ना छड्डो, यूनिवर्सिटी जो चीज़ कह के आए हो वो चीज़ की पढ़ाई पूरी करो, तो अपना 2 साल का पोस्ट वर्क परमिट लैके अपने आप को PR बनने तोरो। तुसीं यूके बाहर जाके अप्लाई करना चाहते हो तो एक बार ESS ग्लोबल के नियरेस्ट ऑफिस जरूर जाओ तो अपनी प्रोफाइल को सही यूनिवर्सिटी कॉलेज लई असैस करवाओ तो अप्लाई करो। थैंक यू जी।